अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ हमारे पास सेक्शन ए है मैथमेटिक्स के एग्जांपल पेपर का। तो इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसमें मौजूद। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी तीन साइड्स है राइट ट्रायंगल की, ठीक है। और बी इसमें कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट साइड है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा हमें वो बताना है। स्टूडेंट्स, अगर आप सबको याद हो तो राइट ट्रायंगल हमारे पास उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिसको जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो, और जो साइड्स होती हैं उनके कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। जिनमें हमारे पास जो लार्जेस्ट साइड है, ठीक, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस कहलाती है, विच इज़ एडजेसेंट टू द 90 डिग्री एंगल। सही है, 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने बन रही होती है साइड, तो ये हाइपोटेन्यूस कहलाती है और ये लार्जेस्ट साइड होती है। इस पे हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम की तरफ अगर मैं आऊँ तो पाइथागोरियन थ्योरम हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ऊपर आ जाते हैं, हाँ जी, पाइथागोरियन थ्योरम स्टूडेंट्स हमारे पास है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सही है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड है हमारे पास बी, सो इट विल बी बी स्क्वायर इक्वल्स टू स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और बेस। इन दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ प्लस के साइन है। सही है, इन दोनों में किसी को भी पहले लिखते हैं सो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास दो ही साइड बची है, ए और सी, तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देता हूँ, या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दें। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। नंबर टू पे आते हैं स्टूडेंट्स, ये है इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स, ये जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ये तीनों क्यूब रूट्स कहलाते हैं 1 के, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। तो इसका आंसर करने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाता चलूँ, स्क्वायर रूट्स की तरफ अगर हम आएँ तो स्टूडेंट्स कोई भी नंबर ले लें और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देखिए क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे पास एक नंबर है 4, तो स्टूडेंट्स इस 4 के स्क्वायर रूट मेरे पास 2 और -2 होंगे, ऐसा ही है। अगर मैं इन दोनों स्क्वायर रूट्स को ऐड करूं तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, आंसर विल बी 0। सही है, इसी तरह 4 के बजाय 9 लेके देख लें, तो 9 में भी हमारे पास 3 और -3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0। तो बिल्कुल सिमिलर वे में जब हम क्यूब रूट्स की भी बात करते हैं तो तीन क्यूब रूट्स होंगे, जिस तरह स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, क्यूब रूट्स में 3 क्यूब रूट्स होते हैं, फोर्थ रूट में 4 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट्स की जब भी बात आएगी तो हमारे पास तीन आंसर्स आएंगे, तीन सॉल्यूशंस आएंगे, और उन तीनों सॉल्यूशंस को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 0, ठीक है। और उस 0 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आंसर तब भी हमारे पास क्या ही रहना है, 0 रहना है, ठीक है। तो 0 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, पहले तो बात है कि कैसे निकाले जाते हैं। सर, वो निकालने का तरीका होता है -b + √b² - 4ac/2a। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट आ रहा है b² - 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही डिसाइड करता है नेचर क्या होगी हमारे रूट की, आइदर इट विल बी रियल आइदर इट विल बी कॉम्प्लेक्स। सही है, तो किस तरीके से हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट कॉम्प्लेक्स हैं। तो देखिए, ये b² - 4ac अगर ये ग्रेटर देन हो 0 से, 0 से बढ़ जाए, तो ये पॉजिटिव रहेगा, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू मतलब रियल नंबर है। सही है, तो कॉम्प्लेक्स तो नहीं आया यहाँ पे। अच्छा भाई, अब हमने ग्रेटर देन 0 रखा था, अब इक्वल्स टू 0 रख के देखें, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाए b² - 4ac की, तो अंडर रूट 0 0 ही होता है, मतलब हमारे पास -b/2a बचेगा, तब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कि भाई अगर ये b² - 4ac 0 से कम हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए,
ठीक है, जीरो से कम वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो अगर ये नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव वैल्यू का रूट, स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यू का रूट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि उसका रूट नहीं निकाला जाता, उसे हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, सही है, इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन 6 1854 द थर्ड प्रोपोर्शन इज, स्टूडेंट्स थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन में हमारे पास जो थर्ड वैल्यू होगी उसकी जगह हमें कोई ना कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 6:18 प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ए रख देते हैं, 54। अब ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, मतलब 18a = 6 × 54 होगा, ये 18 मल्टीप्लाई और है वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 54 डिवाइडेड बाय 18। अच्छा, ऊपर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 × 54 करेंगे तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ जाए, सही है, तो बेहतर है कि इसको एज इट इज ही रख दें, क्योंकि देखें यहाँ पे कैंसलेशंस हो रही है ना, 18 1s are 18, 3s are 54, 6 3s हमारे पास आ जाएगा 18, तो ये आ गया है भाई हमारे पास 18 करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर 5 देखें, तो नंबर 5 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कह रहा है, तो भाई मैट्रिक्स है हमारे पास 2 5 और 1 3। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका AD - BC, मतलब 2 × 3 - 1 × 5, सही है, 2 3 6 - 5, तो ये आंसर आ जाएगा भाई हमारे पास 1। तो बहुत सिंपल सा था ये वाला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, 1 इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास आ रहा है, इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन, सही है, जाहिर सी बात है अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको आपने रिड्यूस करना है तो आप डिवीजन ही परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लीकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, देन हमारे पास द अनग्रुप डेटा मस्ट बी ऑर्डर्ड फर्स्ट, एक अनग्रुप डेटा है तो उसे आपने ऑर्डर में लेकर आना पड़ेगा, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बिफोर कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट करने से पहले आपको उसे ऑर्डर में लाना पड़ेगा, क्या आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने से पहले उसे ऑर्डर में लाएंगे, क्या मोड कैलकुलेट करने से पहले लाएंगे, या मीडियन या वेरियंस, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो भाई पहले तो बात करते हैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स अपॉन एन, सही है, समेशन एक्स का मतलब है कि जितना आपके पास डेटा है उनको आपने सिंपल ऐड करना है। अब भाई उसको ऐड करने के लिए आपको उसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, अगर मेरे पास 2 + 3 + 4 है तो भी आंसर मेरे पास 9 ही आएगा, और अगर मैं 4 + 2 + 3 करूँ तब भी आंसर मेरे पास 9 आएगा, मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ऑर्डर को नहीं रिक्वायर करता, सही है भाई, उसके लिए ज़रूरी नहीं है ऑर्डर में हो ना हो। और मॉड की बात करें तो भाई मॉड के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, मॉड का फॉर्मूला होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या टर्म, तो भाई मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपको ढूंढनी है। अब मुझे बताएं, ठीक है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि क्या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू निकालने के लिए आपको ऑर्डर में लाना पड़ेगा किसी वैल्यू को, नहीं, वो तो आप देख के बता देंगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन से डेटा ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उसे ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। मीडियन की बात करें तो मीडियन में जो हमारे पास सेंटर्ड वैल्यू होती है उसे हम कंसिडर करते हैं। अब सेंटर वैल्यू हो सकता है आपके पास डेटा ऑर्डर में ना हो, लाइक 1 से 5 तक की वैल्यूज हैं तो उसमें हमारे पास सेंट्रल वैल्यू 3 है, लेकिन अगर आपके पास डेटा इस तरीके से दिया हुआ है 4 3 2 1 5 तब तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, सही है, तो हमें मीडियन में क्या करना है, ऑर्डर करना लाजमी है, ठीक है, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ठीक हो गया। अच्छा भाई नंबर 8 भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना है 0, 90, K, 10 और 100 का, ठीक है, ये कुछ डेटा हमें गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे, अच्छा अर्थमेटिक मीन नहीं निकालना है,
यहाँ पे कह रहे हैं कि इस डेटा का अर्थमेटिक मीन हमारे पास 40 है, ठीक है, और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि मतलब के की जगह हम क्या वैल्यू पुट करें कि आंसर 40 आए भाई अर्थमेटिक मीन का। तो भाई हमें फॉर्मूला तो याद है, सही है, समीशन एक्स अपॉन एन, और इस मीन की जगह हम क्या लिख लेंगे, 40 इक्वल्स टू समीशन एक्स की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा 0 प्लस 90 प्लस के प्लस 10 प्लस 100 और डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, ठीक है, काउंट करके देख लें 1 2 3 4 5, सही है। अब देखें यहाँ 0 प्लस 90 90 होगा, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस के हो जाएगा भाई, तो ये हो गया 200 प्लस के। ये 5 डिवाइड हो रहा है, 40 से मल्टीप्लाई करवा दे वहाँ ले जाके, तो ये भी आ जाएगा 200। अब इस 200 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो के की वैल्यू निकल आएगी, मतलब के हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 माइनस 200 विच विल बी 0। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास 0 है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 9 की तरफ आते हैं। इफ़ एक्स कॉमा 6 इक्वल्स टू 2 कॉमा y प्लस 5 देन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले तो कंपेयर कर ले, देखे एक्स के सामने हमारे पास क्या है, एक्स के सामने हमारे पास 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है तो यहाँ वाई प्लस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 इक्वल्स टू y प्लस 5। एक्स की तो वैल्यू हमें पता है, वाई की वैल्यू नहीं पता, हमें एक्स प्लस वाई निकालना है ना, तो एक्स पर मालूम है तो वाई यहाँ से निकाल लेंगे, तो वाई विल बी 6, ये 5 जो है वहाँ जाके माइनस होगा, तो 6 माइनस 5 विल बी 1। अब एक्स और वाई दोनों आ गए तो एक्स प्लस वाई भी आ जाएगा, सही कराना आ चुका है, तो अर्जुन भी लाजमी आएगा, मतलब 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, सो इट विल बी 3, ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 10 एक कॉन्सेप्चुअल है हमारे पास। द आर्क्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल एंगल्स ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, सही है, इसको याद रख ले ज़्यादा बेहतर है, कि अगर यहाँ पे इनकॉन्ग्रेंट का वर्ड आ जाए तो इनकॉन्ग्रेंट का ऑप्शन आपके लाजमी होना चाहिए, वरना नन ऑफ दीज आंसर होगा। सिमिलरली कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंट आंसर होगा, अदरवाइज नन ऑफ दीज, ठीक है। नंबर 9 की तरफ आते हैं। नंबर 9 में हमसे कह रहा है स्टूडेंट्स, ये सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए देन ए इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबने पढ़ रखी होगी भाई ये डेफिनेशन, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस ए के बराबर हो जाएगा, सही, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स के साथ हम क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स कर देंगे उस मैट्रिक्स का। अच्छा जी, नंबर 12 अगेन ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल इज एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल होती है जो इंस्क्राइब्ड एंगल की इंस्क्राइब्ड एंगल होगा उसका, सही है भाई। नंबर 13 द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन इन सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम के अंदर वो रेडियन के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम कुछ इस तरह, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ये फॉर्मूला हम सबको याद है, ये आइडेंटिटी है बेसिक, टेन स्क्वायर है वहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, विच मीन्स 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 1 के बराबर, ठीक, मैंने दोबारा पता नहीं क्यों लिख दिया, खैर जाने दें, तो ये हमारे पास अब सही। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं भाई, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका 1, सही है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। लास्ट हमसे कह रहा है भाई एफ 2 4 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सही, और कह रहा है कि भाई ये सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, सही है। सपोज कर लो कि भाई ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये 0 के बराबर आना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट निकाल लेते भाई यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ, सही है। तो क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 कर लें या रो 1 कर लें, आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप करना चाहें, तो मैं कॉलम 1 से मैं कर रहा हूँ इसको। तो कॉलम 1 में पहली वैल्यू है 2,
तो टू जिस कॉलम में जिस रो में है उसे हाइड कर देंगे, विच मीन्स 0, 2, 8, 14, सही है। फिर साइन चेंज हो जाती है, सेकेंड वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 2 है तो ये -2 लिखी जाएगी। अब यहाँ पे 2 जिस रो में जिस कॉलम में उसे हाइड कर दें, मतलब 4, 6, 8 और 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट वैल्यू है x, थर्ड वैल्यू या लास्ट वैल्यू जो भी है, इसमें हमारे पास 4, 6, 0, 2, सही है, 4, 6, 0, 2, और ये बराबर आना चाहिए 0 के, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स का है, सही है। अब मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे भाई, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो भाई ये 2 एज इट इज़, और ये हो जाएगा 0 टाइम्स 14 विल बी 0, 2 इंटू 8 16, और बीच में साइन आती है माइनस की, AD -BC होता है, -2, 4 इंटू 14 स्टूडेंट्स ये आएगा 56, -6 टाइम्स 8 तो ये आई गेस 48 होगा, ठीक है। प्लस एक्स, 4 2 ज़ा 8, -6 0 ज़ा 0 इक्वल्स टू 0, स्टूडेंट्स 0 तो हट जाएगा बिल्कुल, 2 मल्टीप्लाई होगा -16 से तो -32, ये 56 -48 तो 8 आएगा, 8 इंटू -2 विल बी -16, और एक्स को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8x इक्वल्स टू 0, -32 -16 माइनस का 48 इक्वल्स टू, कि उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का 48 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो एक्स विल बी इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है 6। तो आई गेस सेक्शन ए तो मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई दूसरा MCQ है जो कि आपको लग रहा है कि आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा, उसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल पा रहा, तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, इंशाल्लाह उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सेक्शन बी, वो भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सारा मकसद यही है कि आपको एक आइडिया हो कि आपने अपने सॉल्यूशंस को किस तरीके से परफॉर्म करना है। सेक्शन ए में जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस किए थे ये रफ़ वर्क हैं, ये रफ़ वर्क आपको एक हिंट दे सकता है, ठीक है, आपके लिए ही आसानी पैदा करेगा कि आप कोई मिस्टेक ना कर दें। तो बजाय इसके कि भाई डायरेक्टली तुक्के लगाएं, हम रफ़ वर्क कर लें ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।